आलिया साहब, नासिर अजीज एडवोकेट साहब अगर इस महफिल में तशरीफ रखते हूँ। अच्छा, आप तो इतने खुश होकर कह रहे हैं जैसे उनके आने जी जी अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ बहुत बहुत शुक्रिया। खैर बहरहाल, नासिर अजीज एडवोकेट साहब तशरीफ नहीं रखते हैं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज से पहले सिर्फ भरोसा होता था, ताले की इजाज से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और माथा चूम के रुखसत करने वाली जब तक थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। कभी कभी आती थी पहले वसल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तब कमरा गीला होता था। ये तीन शेर मैंने इसलिए सुना है कि इसमें जो तीन मुख्तलिफ कैफियात हैं इनका इहाता शायर अपनी शायरी में करता है। शोरा इसी तरह के जज्बात और एहसास को अपनी शायरी में पेश करके दाद व तहसीन वसूल करते हैं। जनाब प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब एक ऐसा ही नाम है कि जिनके यहाँ घर आंगन के मसाइल भी हैं, जिनके यहाँ अपने दिल की बात भी है, जिनके यहाँ दूसरों का दर्द भी है, और यही वजह है कि उनकी शायरी जो सीधे सीधे हमारी समातों से हमारे दिल तक पहुँचती है वो बहुत पसंद की जाती है। न सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी उनका एक मोतबर हल्का है, क्योंकि हिंदी के आप प्रोफेसर हैं जामिया में, तो हिंदी के साथ साथ उर्दू मुशायरों में उनकी शिरकत, ये जो एजाज़ या एजाज है ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं जनाब प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। ये तो लगभग सबका फर्ज ही है कि हम अपने मेहमानान का शुक्रिया अदा करें, मोहतरम शहपर साहब को मुबारकबाद पेश करें। चूँकि शहपर साहब का ताल्लुक जामिया से है, तो जो बराह रास्त शहपर साहब से जिनके जिनका ताल्लुक नहीं है और हमसे है, तो वो लोग मुबारकबाद हमें दे रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है जी। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर तारिक कमर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, मैं शुक्रगुजार हूँ हिलाल भाई का। और बहुत खूबसूरत महफिल है, जितने अच्छे शोरा हजरात हैं सामईन भी उतने ही खूबसूरत, मोतबर वसीम भाई, असगर साहब, तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं चूँकि इख्तसार का हुक्म हुआ है और इख्तसार के माने मैं जानता हूँ, तो अलग अलग गज़लों के दो चार शेर मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा और मेरी हाजिरी हो जाएगी। नज भाई सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए कि वो जिस्म पर मलकर जिसे इतराए हुए हैं, वो जिस्म पर मलकर जिसे इतराए हुए, वो जिस्म पर मलकर जिसे इतराए हुए हैं, हम भी तो उसी खाक में दफनाए हुए हैं। वाह 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 वाह, हम भी तो उसी खाक में दफनाए हुए हैं। एक उम्र कटी, शुक्रिया, एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी भाई, एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, अब शहर में आए हैं तो घबराए हुए हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, अब शहर में आए हैं तो घबराए हुए हैं जी। वाह, नहीं सर बड़ी गुस्ताखी होती है कि अगर आप माने बताएंगे, नहीं कोई ठीक है सर, जिनको समझ में आ गया उन्होंने दाद दे दिए कि एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, क्या कहने अब शहर में आए हैं तो घबराए हुए हैं। वाह जी, वर्दी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी, शेर सुनाने दीजिए मुझे जी जरा सा। के एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, अब शहर में आए हैं तो घबराए हुए हैं, वो जिस्म पर मलकर जिसे इतराए हुए हैं, हम भी तो उसी खाक में दफनाए हुए। क्या कहने बाप, एक मतलब और एक शेर और सुनिए कि वुसते दश्त को यूं सैले रवा जानता है। क्या कहने बाप बाबा, वुसते दश्त को यूं सैले रवा जानता है, जैसे इमकान की तफहीम गुमा जानता है। वाह 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 वाह, जैसे इमकान की तफहीम गुमा जानता है। शेर देखिए कि उसको ही मिलती है
ये इश्क की मेराज के जो, बहुत खूब, कि उसको ही मिलती है ये इश्क की मेराज के जो, आग का खेल या हुदहुद की जबा जानता है। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, कि उसको ही मिलती है, उसको ही मिलती है ये इश्क की मेराज के जो, वाह 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 वाह, आग का खेल या हुदहुद की जबा जानता है। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। एक छोटी, नहीं दूसरी गजल अब याद आ गए हैं, दो तीन शेर वो सुन लीजिए कि वाह, आसान पर ही उसने काबू किया हुआ है। वाह, आसान पर ही उसने काबू किया हुआ है, जैसे कि मुझ पे काला जादू किया हुआ। क्या कहने, वाह 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 वाह, आसान पर ही उसने काबू किया हुआ है, जैसे कि मुझ पे काला जादू किया हुआ है। और शेर देखिए कि मिट्टी के इस बदन में है रूह नर्तकी सी। वाह, कि मिट्टी के इस बदन में है रूह नर्तकी सी। वाह, सांसों को इसने मेरी घुंघरू किया हुआ है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सांसों को इसने मेरी घुंघरू किया हुआ है। और शेर यह है कि घुंघरू किया हुआ है, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, लहजे को मैंने अपने उर्दू किया, उर्दू किया हुआ है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, पढ़ दो तीन शेर यार। सोहेब साहब कन्वीनर हैं तो उनका हुक्म हुआ है, दो तीन शेर जी कर रहा हूं। मतलब है कि रात में ख्वाब जो सजाता हूं, रात में ख्वाब जो सजाता हूं दिन निकलते ही भूल जाता हूं। वाह क्या बात है, क्या बात। शेर देखिए कि मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं। क्या बात है, मेरे कमरे में, ये हाफजे की कमजोरी नहीं है मेरे दोस्त, ये कुछ और है, ये कुछ और चीज है। वहां तक पहुंचिए कि वहां क्या कहा गया जी, उन्होंने कहा ये हाफजे की कमजोरी है, मैंने कहा दिन में भूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ दिन निकलते ही भूल जाता हूँ। जब उस कैफियत में आप आएंगे आप ही भूलेंगे कि दिन निकलते ही भूल जाता हूँ, मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं। बहुत अच्छा शेर है, कि मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूं। आई 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 आई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई रहमान साहब। मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, बहुत अच्छा है, मैं चरागों से खौफ खाता हूं। कि मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूं। और ये शेर उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगा, कि मैं चरागों से खौफ खाता हूँ, मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। वाह। और उससे पहले एक शेर और याद आ गया कि ज्वार भाटा मेरी रगों में है, ज्वार भाटा मेरी रगों में है, मेरी रगों में है, मैं समंदर समेट लाता हूँ। अरे हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मेरी रगों में है, मैं समंदर समेट लाता हूँ, समंदर समेट। और शेर देखिए, ज्वार भाटा मेरी रगों में है, मैं समंदर समेट लाता हूँ, रात कटती है आसमानों पर। वाह, रात कटती है आसमानों पर, दिन में मैं बकरियां चराता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बहुत शुक्रिया, क्या तलमी है, वाह 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 वाह, रात कटती है आसमानों पर। अच्छा है, वाह वाह वाह, रात कटती है आसमानों पर, दिन में मैं बकरियां। वाह, क्या तलमी है भाई, वाह वाह वाह, रात कटती है आसमानों पर, बहुत खूब, रात कटती है आसमानों पर, दिन में मैं बकरियां चराता हूँ। वाह, और अप्सराएं मुझे बुलाती हैं। बहुत खूब, अप्सराएं मुझे बुलाती हैं, देवताओं को मैं बुलाता हूँ। वाह 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 वाह, मुझे बुलाती हैं देवताओं को मैं बुलाता हूँ। और आखिरी शेर, के खेत तो पट गए हैं
لاشوں سے. واہ. کھیت تو پٹ گئے ہیں لاشوں سے, ریت میں سبزیاں اگاتا ہوں. واہ. ریت میں سبزیاں اگاتا ہوں, میرے کمرے میں صرف کاغذ ہیں, میں چراغوں سے خوف کھاتا ہوں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ.